ये बताइए कि जब सब लोग राजनीति के में आ जाएंगे तो फिर बिहार में हीरो कौन रह जाएगा? और मुझे जिस विधा के लिए लोगों ने चुना है, लोगों ने प्यार दिया है, मैं उसी के लिए जाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बारे बाकी मेरे बड़े भाई लोग अच्छा कर रहे हैं, उनके सहयोग में मैं हमेशा साथ रहूंगा। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ श्रुति। इन दिनों राजनीति में बड़े बड़े अभिनेताओं का शामिल होना जोरों शोरों पर है। अगर बात करें बीते दिन की, तो भी खबरें आई थी कि पवन सिंह भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार जो हैं वो भी राजनीति में शामिल होने वाले हैं। लेकिन जब यही सवाल भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से किया गया, तो देखिए कितने अनोखे अंदाज में वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप वो सुने। के तमाम हीरो जो है राजनीतिक में आ रहे हैं, आप कब आ रहे हैं, आपके कदम कब राजनीतिक में पड़ेंगे? ये बताइए कि जब सब लोग राजनीति के में आ जाएंगे तो फिर बिहार में हीरो कौन रह जाएगा? तो हमें हीरो रहने दीजिए, बाकी हमारे बड़े भाई लोग संभाल रहे हैं, ये कम थोड़ी है। एक परिवार से अगर हर आदमी एक ही काम करेगा तो बहुत और सारे काम है, और हमें मुझे लगता है कि हमें इस काम के लिए बनाया गया है। जैसे कि आज प्याजियो आप है, अगर मैं नेता होता तो शायद इसको प्रमोट नहीं कर पाता, क्योंकि मैं किसी एक वर्ग का हो जाता। आज मैं लोगों के दिल में हूँ, लोगों के लिए हीरे हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि ये प्याजियो परिवार मुझे चुना है, आप लोगों ने मुझे चुना है। तो ज़िंदगी में हर काम हर आदमी नहीं कर सकता, और मुझे जिस विधा के लिए लोगों ने चुना है, लोगों ने प्यार दिया है, मैं उसी के लिए जाना जाता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बारे बाकी मेरे बड़े भाई लोग अच्छा कर रहे हैं, उनके सहयोग में मैं हमेशा साथ रहूंगा, सबके लिए करता रहूंगा। एक अभिनेत्री की तो आपने सुना कि कितने अनोखे अंदाज में खेसारी लाल यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर सब राजनीति में चले जाएंगे तो बिहार में हीरो कौन बनेगा। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से एक ही घर के लोग एक ही काम नहीं करते हैं, बाकी काम जो है वो अलग अलग लोग करते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से उनके बड़े भाई जो हैं वो राजनीति संभाल रहे हैं, संभाले, लेकिन अभी वो फिलहाल हीरो का काम कर रहे हैं, वो उसी में खुश है। और वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से अगर सब लोग एक ही काम करेंगे तो मजा नहीं आएगा, और अगर सब लोग राजनीति में चले जाएंगे तो बिहार में हीरो कौन रहेगा। इसका मतलब आप देखिए कि साफ साफ वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फिलहाल वो राजनीति में शामिल नहीं होने वाले हैं। देखिए, बिहार में हो या फिर अगर देश की बात करें तो जो बड़े बड़े तमाम अभिनेता हैं वो राजनीति में शामिल होते हैं। खबरें ये भी आई थी कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह भी राजनीति में शामिल होने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दें कि जब ये सवाल खेसारी लाल यादव से किया गया कि क्या वो राजनीति में शामिल होने वाले हैं, तो उन्होंने बड़े अनोखे अंदाज में कहा कि भाई अगर सब लोग बिहार की राजनीति में शामिल हो जाएगा तो बिहार में हीरो कौन रहेगा। ये काम मेरे बड़े भाई संभाल रहे हैं, काफी अच्छे से संभाल रहे हैं, तो वही ये काम करें, फिलहाल हम जो काम कर रहे हैं हम उसमें खुश हैं। देखिए, इससे पहले भी जो बड़े बड़े भोजपुरी के महानायक हैं, सुपरस्टार हैं, चाहे वो मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, निरहुआ हो, ये लोग भी बड़े बड़े भोजपुरी एक्टर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग राजनीति में शामिल हुए। अगर बात करें भोजपुरी एक्टर्स के अलावा भी, तो बॉलीवुड सुपरस्टार्स जया बच्चन हो या फिर शत्रुघ्न सिन्हा हो, ये लोग भी राजनीति में शामिल होते हैं, राजनीति में दिलचस्पी दिखाते हैं। और जब यही सवाल जब खेसारी लाल यादव से किया गया कि क्या वो आने वाले समय में राजनीति में शामिल होंगे, तो वो ये कहते हुए नजर आए कि किस तरह से वो अभी राजनीति में शामिल नहीं होना चाहते हैं। वो अनोखे अंदाज में ये कह रहे हैं कि अगर सब लोग राजनीति करेगा तो बिहार में हीरो कौन रहेगा। तो फिलहाल खबर में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार इन शॉर्ट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट कर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।